ये है भारतीय रेल, हमारी रेल, जो हर रोज 2.3 करोड़ यात्रियों को लेकर इस देश के सफर पर निकलती है। जो कल तक गांव और शहरों के डिस्टेंस को लेस करती थी, आज खुद कैशलेस हो रही है। ये सफर अब बदल रहा है, डिजिटल इंडिया के साथ कैशलेस हो रहा है। जी हाँ, अब रेलवे का सफर होगा और भी आसान, क्योंकि भारतीय रेल अब पूरी तरह से कैशलेस होने जा रही है। चाहे वो ई टिकट हो, काउंटर द्वारा रिजर्व्ड या अनरिजर्व टिकट हो, रेलवे पैंट्री हो या फिर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर जगह कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा मुहिम चलाई गई है। आज रेलवे में टिकट ई टिकट द्वारा बुक की जाती हैं, जिसमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई वॉलेट जैसे पेमेंट ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। ये सुविधा रेलवे के द्वारा उपभोक्ताओं को काफी पहले से दी जा रही है, लेकिन रेलवे द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के बाद से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में काफी इजाफा हुआ है, जो खुद रेलवे द्वारा चलाए जा रहे कैशलेस मुहिम की सफलता को बयान करता है। यात्रियों की सुविधा और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा रिजर्व्ड तथा अनरिजर्व्ड दोनों तरह के टिकटों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की व्यवस्था कर दी गई है। रेलवे में अब तक सिर्फ ई टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा थी, लेकिन अब इस सुविधा का और भी विस्तार किया गया है। साथ ही डिजिटल टिकट बुकिंग सिस्टम में कई नए ऐप और पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। अब मोबाइल ऐप 139 डायल अ टिकट और इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे ही रिजर्व टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए अब ना तो हमें रेलवे काउंटर्स के लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत होगी, ना ही खुले पैसों की परेशानी। हमारे देश में हर रोज लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लाखों में है। ऐसे में मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में लोकल टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर में यात्रियों को लंबी लाइन और भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब रेलवे द्वारा कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की वजह से उपनगरीय क्षेत्रों के स्टेशंस की टिकट बिक्री व्यवस्था को एक नया रूप मिला है। अब रेलवे के UTS मोबाइल ऐप द्वारा बड़ी आसानी से अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे जा सकते हैं, जिसके लिए आप डेबिट, क्रेडिट, ई वॉलेट किसी भी तरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। रेलवे ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के जरिए टिकट काउंटर्स पे लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। अब स्टेशन पर जगह जगह पर हमें ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन देखने को मिलेंगे। अब इस मशीन में पैसे नहीं, SBI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड के जरिए हम टिकट खरीद सकते हैं, जिसके लिए SBI और IRCTC के मध्य एक करार हुआ है, जिसके अंतर्गत IRCTC SBI स्मार्ट कार्ड के जरिए कोई भी यात्री अगर टिकट खरीदता है, उसे कैशबैक और पॉइंट्स रिवॉर्ड दिए जाएंगे। रेलवे मानता है कि इस तरह की स्कीम के द्वारा यात्रियों को सहूलियत तो होगी ही, साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की तरफ भी यात्रियों का झुकाव बढ़ेगा। इतना ही नहीं, रेलवे ने SBI के साथ देश के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशंस पर POS मशीन्स इंस्टॉल किए हैं तथा बाकी स्टेशंस पर भी करेंगे, जिससे यात्री किसी भी टिकट काउंटर से डेबिट, क्रेडिट कार्ड के जरिए अब आसानी से टिकट खरीद सकेंगे। साथ ही हाल ही में रेलवे ने IRCTC रेल कनेक्ट के नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसे रेलवे भविष्य का ऐप मान रहा है। रेल कनेक्ट को अगली पीढ़ी की टिकटिंग प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जो उच्च प्रदर्शन क्षमता और उच्च सुरक्षा से लैस है। ये ऐप पहले से ज्यादा सुरक्षित है और इसमें पिन आधारित लॉगिन प्रणाली है, जिसमें बार बार यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। ऐप में 40 से ज्यादा बैंकों से नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान की सुविधा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा और कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए अब रेलवे जल्द ही स्टेशन और ट्रेनों में मिलने वाली खान पान की सामग्री का भुगतान कैशलेस तरीके से कराने वाला है। इस सुविधा के बाद यात्रियों को ओवर चार्जिंग से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही कैश न होने पर भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर भारतीय रेल, एक ओर जहां पैसेंजर ट्रेन्स में 52% कारोबार
कैशलेस में कर रहा है, वहीं मालगाड़ी बुकिंग आदि से होने वाली आमदनी की लगभग 99% लेन देन कैशलेस में है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब रेलवे 100% कैशलेस कारोबार करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो आइए हम सब मिलकर भारतीय रेल को कैशलेस बनाएं, रेलवे को डिजिटल रफ्तार दिलाएं।